मैम समाजवादी पार्टी के द्वारा पहले उन्होंने स्टेशन को सिंबल दिया गया था, अब जो है सिंबल वापसी दिया गया है, क्या बारे में, इसके बारे में भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे भाई हैं, कितनी बार बता दिया मैंने, बिल्कुल तैयारी है। हम तो राजनीतिक लोग हैं, हर समय चुनावी मोड पे रहते हैं। आपके सामने भाई अभी तो सिंबल मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। अभी सिंबल तो 30 तारीख में कब अलॉट होंगे भाई सिंबल? नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएटेड है एसटीएसएन साहब की तरफ से भी। आप पार्टी नेतृत्व से पूछिए, पार्टी नेतृत्व से जानकारी लीजिए। आप तो, मैं कह रही हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कोई मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे भाई हैं। भाई मेरे भी, आप सब भी भाई हो, आप सबसे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि मुरादाबाद लोकसभा से आप चुनाव लड़ रही है सांसद? यार पर्चा भर दिया सिंपल सा, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय समाजवादी की तरफ से, और पूरे दलबल के साथ जोश उत्साह के साथ सहयोग की, और आप सब लोग मेरी मदद करेंगे ये उम्मीद करेंगे। एक सवाल थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि आपके एक प्रतिद्वंदी और है एसटीएसएन, उन्होंने भी नामांकन किया है, वो भी कह रहे हैं वही समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट है गठबंधन के, आप भी कह रहे हैं, तो क्या आईडी यार इस समस्या में कोई भी ताकि जो थोड़ा मोबाइल ले जाओ इधर को यार, तो जो आपने पिछले साल क्यों भैया सो दे देंगे, ये तो नहीं, अभी समय आएगा और वो मेरे शिवरा जी पहुंची हैं। जी मैम, नॉमिनेशन कराया, क्या कुछ करना है? क्या कहना है सबसे, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने पार्टी के मुखिया का, मोहम्मद आजम खान साहब का, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और आप सब लोगों से मदद की उम्मीद करती हूं। मैम समाजवादी पार्टी के द्वारा पहले उन्होंने स्टेशन को सिंबल दिया गया था, अब जो है सिंबल वापसी दिया गया है, क्या बारे में, इसके बारे में भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे भाई हैं, कितनी बार बता दिया मैंने, क्या कुछ तैयारी है मुरादाबाद लोकसभा की? बिल्कुल तैयारी है, हम पीछे राजनीतिक लोग हैं, हर समय चुनावी मोड पे रहते हैं। रुचि वीरा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रुचि वीरा जी ने मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर नॉमिनेशन कराया है, जिसमें मुरादाबाद में TV9 पर बात करते हुए कहा गया जो पार्टी के फैसला होगा वो किया जाएगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।